मैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी, प्रकृति शास्त्री, एक बार फिर एक नए पौधे के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का पौधा है बोगनविलिया ग्लैब्रा। ये एक सामान्य जाति है बोगनविलिया की, जो कि संपूर्ण विश्व में चारों तरफ फैली हुई है और इस समय सड़क के किनारे, घरों के गमलों में, किसी भी गार्डन बगीचे की शोभा जो है बोगनविलिया के द्वारा ही हम देख रहे हैं। बोगनविलिया को देखने पर यह पता चलता है कि इसके अंदर जो तीन डंडियाँ दिख रही हैं वही इसके असली फूल होते हैं। बाकी जो लाल रंग के सबसे आकर्षक भाग इसका दिखाई पड़ता है, वो भाग जो है ब्रैक्ट के रूप में होता है। ये थॉर्नी ऑर्नामेंटल वेंस के नाम से जाना जाता है। इसे पेपर फ्लावर भी कहते हैं। यह प्लांट किंगडम में रखा गया है और इसका ऑर्डर कैरियोफिलेल्स संजोया गया है, तथा इसकी फैमिली निक्टाजेनेसी है, जिसके कारण इसमें जो पेटल्स हैं वो ब्रैक्ट के रूप में हैं। और ये साउथ अमेरिका का नेटिव होता है दोस्तों। ये ब्राज़ील, पेरू तथा अर्जेंटीना में पाया जाता है, तथा न्यू गिनी में एक बोगनविलिया आइसलैंड भी बड़ा मशहूर है। इसमें 18 स्पीसीज अभी तक नोट की गई हैं। इसकी पत्तियों को देखें तो हार्ट के शेप की होती हैं, तथा थॉर्नी प्यूबिसेंट इसके रुएँ पाए जाते हैं स्टेम के ऊपर। इन पौधों का उपयोग दमा में, खांसी में, फेफड़े के रोगों आदि में किया जाता है, तथा IIT कानपुर में इसकी पत्तियों से, फूलों से एक ऐसी कृत्रिम त्वचा बनाई गई है जो कि ऑपरेशन के दौरान बनाई जा सकती, तथा घावों को भरने में इसका प्रयोग किया जाता है। अभी आपने हर्बल गुलाल का नाम सुना होगा। ये हर्बल गुलाल इन्हीं बोगनविलिया के फूलों से ही बनाए जा रहे हैं, और इस तरह की पत्तियों को लगातार आप लगाते रहिए। कटिंग के द्वारा ये पौधे बहुत जल्दी लग जाते हैं, जिसके द्वारा ये बहुत आपके गार्डन को अच्छा सा दिखा सकते हैं। आपका मन भी इनको देख के प्रसन्न हो जाएगा। और इसमें गोबर की खाद सर्वोत्तम रहती है, तथा लिक्विड खाद भी आप इसमें डाल सकते हैं। तथा लिक्विड खाद डालने के बाद इसकी लगातार निराई गुड़ाई और कटिंग आप करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप कैंची चलाएंगे इस पेड़ के ऊपर, इसकी झाड़ी के ऊपर, उतनी ज़्यादा ये बढ़िया शेप ले लेता है। आप मनचाहा शेप दे के बोनसाई भी बना सकते हैं और इसे अपने घरों में लगाएं, तथा लोगों को गिफ्ट दें और अपने स्कूल, कॉलेज, खेत खलियान में लगाकर प्रकृति को संवार